हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कालीटेक्स प्राइम। कालीटेक्स प्राइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे प्रीवियस वीडियो में हम सारे स्कैनिंग की चीज़ें कर रहे थे। स्कैनिंग चैप्टर्स हमारी चल रही है। पिछले वीडियोस में हमने देखा दोस्तों कि पोर्ट स्कैनिंग कैसे करते हैं, जिसमें हमने ये सारी डिटेल्स निकाली थी कि हमारे नेटवर्क में जो भी होस्ट यानी कि जो भी कंप्यूटर हैं उनकी क्या क्या पोर्ट्स ओपन है कंप्यूटर में। जी हाँ दोस्तों, हमने पोर्ट स्कैनिंग भी की और साथ में साथ नेटवर्क स्कैनिंग भी की। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, स्कैनिंग तीन तरह की होती है, नेटवर्क स्कैनिंग, पोर्ट स्कैनिंग और वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। तो जिसमें दोस्तों हमने नेटवर्क स्कैनिंग की थी, सबसे पहले हमने जो स्कैन किया था वो नेटवर्क स्कैनिंग ही था। और जिसमें दोस्तों हमारे डिटेल्स कुछ निकले थे ऐसे कि कितने होस्ट हमारे नेटवर्क में अभी लाइव हैं। लाइव का मतलब कितने ऑनलाइन हैं, नेटवर्क से मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। उसके बाद दोस्तों हमने निकाला था, पोर्ट स्कैनिंग किया था और पोर्ट स्कैनिंग में हमें सारी डिटेल्स मिली थी कि कितने हमारे होस्ट कनेक्टेड हैं, उनके पोर्ट्स क्या क्या हैं। पोर्ट्स मतलब एक जनरल भाषा में हम जो कहें तो एक उनकी कौन कौन से दरवाजे खुले हुए हैं जिससे वो कम्युनिकेशन करते हैं बाय द इंटरनेट वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इन चीज़ों के लिए वो पोर्ट का यूज़ कर रहे हैं और कौन कौन सी पोर्ट्स और सर्विसेज रन कर रही थी, ये हमने देखा हमारे प्रीवियस वीडियो में। दोस्तों अब हमारा बचा हुआ है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, जिसे भी हम करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आज एक ऐसे टूल के बारे में इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ आपको, जो हैकिंग का स्वराज है, मतलब कि हैकिंग की दुनिया में ये एक ऐसी टूल है दोस्तों जो सबसे पहले और सबसे आगे आता है, जिसका नाम है बबशूट। दोस्तों आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों अगर जनरली इस टूल का अगर परचेस करने जाए दोस्तों, तो आपको 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जो कि ये टूल कुछ ऐसी है टूल दोस्तों कि ये वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, मतलब वेब एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट या फिर वेब एप्लीकेशन यानी कि आप एंड्रॉयड में जो एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक की आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, अनदर कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो, उन सारी एप्लीकेशन चाहे वेबसाइट्स उनकी सिक्योरिटी पैचेस, सिक्योरिटीज हो, जो भी बग वगैरह होते हैं उनको फाइंड आउट करना, उन्हें एक्सप्लॉइट करना, वल्नरेबिलिटी को स्कैन करना। जी हाँ दोस्तों, ये वल्नरेबिलिटी स्कैनर भी कहलाता है, इसलिए मैंने स्कैनिंग चैप्टर में ही इसका इंट्रोडक्शन रखा है और स्कैनिंग ही चैप्टर में इस टूल को हम यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों ये टूल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जैसे एनमैप को हम अपनी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं, वैसे ही दोस्तों यहाँ पे बबशूट भी स्कैनिंग से लेके एक्सप्लॉइट तक जाने वाला है। मतलब दोस्तों ये बबशूट एक ऐसा चैप्टर है आज, जैसे कि दोस्तों ये स्कैनिंग में ये स्टार्ट होने वाला है और हमारी जो लास्ट चैप्टर होगी वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ये वहाँ तक जाने वाली है। और ये टूल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसके आगे की ये टूल्स कैसे इंस्टॉल करना है और क्या क्या है इस टूल की सारी इम्पॉर्टेंट्स और क्या क्या फैसिलिटी ये टूल देता है। तो दोस्तों जैसा कि स्कैनिंग चैप्टर चल रहा है और हमें अब वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करनी है, तो उससे पहले इसे देख लेते हैं क्या है। जैसे कि दोस्तों ये टूल मैंने पहले ही आपको कह दिया दोस्तों कि ये टूल आपको है 2.5 लाख की। अगर आप इस टूल को परचेस करने जाते हैं दोस्तों, तो ये टूल होती है 2.5 लाख की, जिसे परचेस करना मिनिमली एज अ स्टूडेंट और एज अ प्रोफेशनल जो भी नॉर्मल होते हैं उनके लिए मुश्किल है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक चीज़ अच्छी बात है कि इंटरनेट पे इसके क्रैक वर्जन भी अवेलेबल है। जैसे कि दोस्तों फ्री अगर वर्जन आप जाते हैं तो आपको बबशूट मिल तो जाता है, लेकिन ये फ्री एडिशन रहता है, इसके फीचर्स उतने नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों हम इस टूल को यूज़ करेंगे एज अ प्रोफेशनल टूल। जी हाँ दोस्तों, मैंने ही दोस्तों इसके क्रैक वर्जन को डाउनलोड कर रखा है, इसे मैं अपलोड करके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस टूल को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं बता दूँ, इस टूल को रन करने के लिए आपको जावा JDK का यूज़ करना पड़ेगा। जावा आपको पता होगा दोस्तों क्या होती है, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन अगर कोई रन करती है तो वो जावा के यूज़ से ही यूज़ करती चलती है दोस्तों। और लेकिन ये जो होती है ये एप्लीकेशन जावा की .jar फाइल से चलती है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कालीटेक्स में दोस्तों जावा फाइल को इंस्टॉल करना पड़ेगा, JDK को इंस्टॉल करना पड़ेगा। दोस्तों डिफ़ॉल्ट ऐसा कही जाए तो आपके में जावा इंस्टॉल काली में होगी, तो लेकिन वो जावा दोस्तों जो वर्ज़न होगी उसकी वो
जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नए वर्जन में दोस्तों जावा जो इंस्टॉल मिलता है आपको वो वर्जन होता है 10, लेकिन जो टूल हम यूज़ करने वाले हैं बॉबशूट क्रैक प्रोफेशनल वो रन करती है आपको 8 पे। रन वो 10 पे भी कर सकती है लेकिन 10 में इशू होती है उसे प्रोसेस करने में। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने एप्लीकेशन मतलब अपने काली लिनक्स पे सबसे पहले जावा की वर्जन 8 को इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद ही हम बगशूट को चला पाएंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपके लिए एक टेक्स्ट फाइल भी रखा है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कैसे आप जावा को इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने टर्मिनल में जाना है और यहाँ सबसे पहले आपको अपडेट कमांड चलाना होगा जिसमें sudo apt-get अपडेट चलाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आती है सेकेंड ऑप्शन जहाँ मैंने लिखा है इंस्टॉलिंग द JDK, JDK को कैसे इंस्टॉल करना है। दोस्तों फिर यहाँ मैंने लिखा है sudo, sudo पता होगा दोस्तों अगर आपको, तो मैंने सबसे पहले कमांड में बताया था कि sudo क्या होता है, था सुपर यूज़र ये काम करता है जिससे फुली एक्सेस को लेके ये इंस्टॉलेशन या किसी भी कमांड को रन करने के लिए sudo लगा के यूज़ की जाती है। दोस्तों sudo के साथ साथ फिर आपको लगाना है apt-get जो इंस्टॉलेशन की एक प्रोसेस होती है गेट करने की, इसमें इंस्टॉल करना है लगाना है फिर आपको। और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन JDK 8 JDK-8 JDK, मतलब दोस्तों अब इस कमांड को यूज़ करके आपको अपने काली लिनक्स में इंस्टॉल करना है JDK। दोस्तों मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपको कोई इशू नहीं होगी, आप जस्ट इस कमांड को यूज़ करके JDK इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसे कि दोस्तों आप देख चुके हैं कैसे इंस्टॉल करना है, अब दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा कि आपके में इंस्टॉल वो हो चुकी है वर्ज़न 8 या फिर अभी आपकी काली में कौन सी वर्ज़न चल रही है। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ हमको नहीं करना है दोस्तों, आप यहाँ पे जावा हाइफन वर्जन को कॉपी कर लीजिए या फिर खुद से टर्मिनल पे लिख लीजिए। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ कर देता हूँ मैं टर्मिनल में पेस्ट, और चेक करते हैं कि मेरे में कौन कौन से वर्जन चल रहे हैं जावा के। दोस्तों जैसे कि मैंने एंटर किया है तो यहाँ पे मेरे जो अभी रन कर रही है डिफ़ॉल्ट में है वो 1.8 यानी कि 8 वर्जन है वो, और मैं इसको रन कर रहा हूँ। ऐसा देखा जाए तो मेरे में 10 भी है लेकिन मैंने इसको डिफ़ॉल्ट बना के रखा हुआ, मतलब कि इसको मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है कि यही चले, तो यहाँ पे ये चलेगी, आपको कोई इशू नहीं होगा। दोस्तों आपको जस्ट यही कमांड चलाना है वर्जन 8 वाला और आपकी जो जावा फाइल होगी वो चलने लग जाएंगी। और इसका जो लोकेशन होता है दोस्तों ये होता है यूज़र के अंदर, उसके अंदर लाइब्रेरी मतलब LIB, उसके अंदर फिर JVM और फिर जावा का ये फाइल होता है। दोस्तों चलिए अब करते हैं इसके बाद, यानी कि देन यू हैव टू स्टार्ट द बब शूट, मतलब जैसे ही आपकी वर्जन 8 की बब शूट हो चुकी है रन, सॉरी आपकी जो जावा हो चुकी है 8 रन, अब उसके बाद हम चलाएंगे बब शूट को। दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं बॉबशूट को कैसे करना है। दोस्तों मैंने डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद आप वीडियो को स्टार्ट करके चला सकते हैं और देख सकते हैं कैसे करना है। दोस्तों फिर यहाँ मैं टर्मिनल को फिलहाल एग्जिट कर लेता हूँ और हम आते हैं हमारे बॉबशूट के फोल्डर में, यहाँ पर मैंने बॉबशूट को रखा हुआ है। दोस्तों फिर आता है ये रहा मेरा बॉबशूट का फोल्डर जहाँ मैंने ये बॉबशूट को रखा हुआ है। अब दोस्तों मैं यहीं पर टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, यहीं पर राइट क्लिक करके मैं करता हूँ ओपन इन टर्मिनल, मतलब ये फोल्डर को मैंने इस टर्मिनल पे खोल लिया है, मेरा ये होम्ड है, आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ मेरा डेस्कटॉप है और मैंने यहाँ पे भी डेस्कटॉप पे कर लिया। आप चाहते तो डायरेक्टली होम से भी खोल के डेस्कटॉप पे आ सकते थे CD करके, ये मैंने डायरेक्टली यहाँ ओपन कर लिया, आप भी ऐसा कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ हम करते हैं LS, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो फाइल आपको दिख रही है, तीन फाइल एक्चुअली दिख रही है यहाँ पे आपको। जावा 8 जो कि मैंने टेक्स्ट फाइल आपको दिखाया अभी वो मेरी एक सर्वर है, ये एक मेरी पर्सनल फोल्डर है, और यहाँ दिख रहा है आपको बब शूट प्रो वर्जन 1.7.30 JK। तो दोस्तों अब इसे ओपन करते हैं, LS करते हैं, मतलब मैं CD करके घुसता हूँ दोस्तों यहाँ बब शूट की इस फोल्डर में, इसे मैं मारता हूँ B और करता हूँ टैब। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे मैंने टैब मारा कि ये बब शूट के फोल्डर आ गए। दोस्तों आप भी ये चीज़ कर सकते हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब आप बहुत सारे फोल्डर के बीच में या कहीं पर होते हैं दोस्तों तो आप जब उसका पहला कमांड मतलब CD और उसका पहला वर्ड यूज़ करके अगर आप टैब यूज़ करते हैं तो वो अगर सिंगल वही फोल्डर उस नाम की वहाँ होगी तो वो एग्जैक्टली यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। मैंने कहा एंटर और फिर मैंने किया LS, तो आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे दो फाइल है, मैं इसको अंदर आके भी आपको दिखा दूँ तो यहाँ भी आप देखेंगे यहाँ पर दो फाइल है, एक बॉबशूट हेल्पर करके और एक बॉबशूट प्रो करके। तो आपको यहाँ दोस्तों ओपन करना है बॉबशूट हेल्पर। दोस्तों मैं फिर से आपको यहाँ बता दूँ कि आपको ओपन करना है हमेशा बॉबशूट हेल्पर को। दोस्तों फिर आते हैं हमारे यहाँ कमांड में और फिर यहाँ दोस्तों आपको यहाँ लिखना है, ध्यान से इस कमांड को आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखना है आपको जावा स्पेस
हाइफ़न लगा के जे ए आर मतलब जार फाइल, क्योंकि वो डॉट जार फाइल पे चलता है। अब जैसे कि आप दोस्तों यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ आपकी जो बबशूट है वो 30 के बाद यहाँ लिखी हुई है जार, मतलब कि आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि इसका एक्सटेंशन डॉट जार का है। तो ओके दोस्तों, मैं इस चीज़ को यहाँ टेक्स्ट पे भी मेंशन कर देता हूँ कि आपको कैसे खोलना है बबशूट को। दोस्तों जस्ट आपको यहाँ नीचे की तरफ आना है और लिखना है आपको यहाँ जावा टर्मिनल में स्पेस हाइफन के साथ जार और स्पेस देके उस बबशूट के फोल्डर का नाम, मतलब उस हेल्पर वाले फाइल का नाम। तो आते हैं दोस्तों फिर अपने यहाँ टर्मिनल पे, और जैसे कि मैंने दोस्तों यहाँ लिख दिया है जावा हाइफन जार, और फिर यहाँ आपको स्पेस मारना है और लिखना है BUR बबशूट हेल्पर। जैसे कि आप दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं बबशूट हेल्पर जैसे मैंने टाइप किया वो आ गया, और फिर करना है आपको एंटर। दोस्तों अभी यहाँ काम ख़त्म नहीं हुआ है, अब आपको यहाँ पे जावा की लोकेशन भी सेट करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मेरे यहाँ पे लोकेशन यहाँ दी हुई है कि यूज़र में जाके, लाइब्रेरी में जाके, विम में जाके, फिर जावा 8 ओपन JDK फाइल है। अगर आप दोस्तों आप ये नहीं देंगे लोकेशन तो जावा रन, तो आपकी ये बबशूट जावा को यूज़ करके रन नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ एस पे आप क्लिक कीजिएगा, और जैसे आप एस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, एरियाज़ मिल रहे हैं जहाँ आपको जाके फाइल को खोलना है। तो जैसे कि मेरा तो यहाँ लोकेशन सेट है दोस्तों, लेकिन आप जब यहाँ खोलेंगे तो ये जो एरिया होगी वो आपकी ब्लैंक होगी, आपको यहाँ लोकेशन देना होगा। दोस्तों जैसा कि यहाँ मेरे लोकेशन के हिसाब से आप देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि मैं यूज़र में जाने के बाद आपको लिब में जाना है, मतलब लाइब्रेरी में जाना है, फिर JVM में और जावा 8 में। तो सबसे पहले आता है यूज़र में, तो यूज़र में आने के लिए दोस्तों यहाँ रूट से निकल के मैं आता हूँ बाहर। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम यूज़र में, इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ यूज़र मिल चुका है मुझे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ यूज़र। फिर यूज़र में यहाँ एंटर करके ओपन करते हैं। फिर दोस्तों सेकेंड ऑप्शन है लिम, यानी कि लाइब्रेरी में आना है आपको। यहाँ ऊपर की तरफ आते हैं, यहाँ एक लिम होगा, यहाँ देखिए दोस्तों लिम नज़र आ रहा है यहाँ पे। इस लिम में आने के बाद इस लिम को डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, और इस लिम के अंदर हमें जाना है आपको JVM के अंदर, मतलब कि यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ JVM में जाना है आपको। इसके लिए आते हैं हम यहाँ JVM को खोजते हैं, J मतलब नीचे होगा। ओके दोस्तों ये रहा JVM, और JVM को फिर ओपन कर लेते हैं डबल क्लिक करके। सॉरी दोस्तों एक बैक आना पड़ेगा मुझे, एक बैक आता हूँ मैं यहाँ से। ओके फिर से आते हैं नीचे, और JVM के लिए हम आते हैं J में। ओके ये रहा JVM, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और JVM के अंदर दोस्तों डिफ़ॉल्ट यहाँ लिखा हुआ है मेरे में जावा 8 JDK। और दोस्तों जैसे कि यहाँ देखिए मेरे यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि मेरा जावा 1.10 भी यूज़ हो रहा है, जावा 1.8 भी है, जावा 10 ओपन, जावा 8। तो आप जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर आप भी अगर ये ऑप्शन को अगर आप ओपन करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके में डिफ़ॉल्टली पहले से ही वहाँ पे जावा का वर्जन 10 भी यूज़ हो रहा होगा। तो आपको 10 को सिलेक्ट नहीं करना है, आपको सीधा सेलेक्ट कर लेना है यहाँ 1.8.0 जावा JDK और AMD 64। आप इसको ओपन करके सेलेक्ट करके आप यहाँ ओके कर सकते हैं। मेरा पहले से सेलेक्ट है तो मुझे ओके करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे ओके कर दें तो आपका जो लोकेशन है वो सेलेक्ट हो जाएगा, और जब लोकेशन सेलेक्ट हो जाए तो जैसा ये बॉक्स आपको डायलॉग दिख रहा है सेम वैसा डायलॉग आपके सामने वैसे का वैसे ही रहेगा। अब आपको दोस्तों जाना है रन में और करना है क्लिक, और आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है बबशूट प्रोफेशनल, प्रोफेशनल मतलब कि पेड वर्जन। जी हाँ दोस्तों ये पेड वर्जन है, भले ये क्रैक है लेकिन ये सारे काम बहुत ही अच्छे से करता है। अब दोस्तों इसे खुलने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि बबशूट में क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं इस बबशूट के। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ करते हैं आई एग्री, आपको कर देना है यहाँ आई एग्री में जाके आई एग्री। इसके बाद दोस्तों यहाँ एक और ऑप्शन खुलेगा और सीधा बबशूट आपके सामने। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शन इसलिए है कि अगर आपकी कोई फाइल या कोई प्रोजेक्ट पहले से ही है तो हम यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। हम यहाँ कोई ओपन नहीं करने वाले हैं चूज फाइल से, यहाँ हम करने वाले हैं नए के लिए, तो फिर यहाँ करते हैं हम नेक्स्ट। और दोस्तों फिर हमारे सामने आती है स्टार्ट करने के लिए बबशूट की ऑप्शन, तो करते हैं बबशूट को स्टार्ट। दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा कभी भी ये बबशूट को ओपन करके रखें हो तो आप यहाँ के टर्मिनल को ना बंद करें, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जावा चल रही है एज अ टर्मिनल। तो इसको आप कर दें हमेशा की तरह मिनिमाइज, इसे कर दें आप मिनिमाइज। इस फोल्डर को आप कट कर सकते हैं, यहाँ कोई इशू नहीं है, इसे मैं कर देता हूँ कट, इसे भी कर सकता हूँ मैं कट, मैं इसे करता हूँ मिनिमाइज। इस टेक्स्ट फाइल को भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। फिर आते हैं दोस्तों हमारे बबशूट जो कि ओपन हो चुका है, और ये आपके सामने खुल के सामने आपके बबशूट है।
अब दोस्तों यहाँ बॉब शूट खुल तो गया है, लेकिन अब करना क्या है, ये क्या है, कैसा है। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ ऊपर दिखा दूँ आपको, यहाँ आप देख पा रहे होंगे बॉब शूट प्रोफेशनल टेम्पररी प्रोजेक्ट लाइसेंस्ड बाय लैरी, मतलब कि इस लैरी नाम के इंसान ने इस क्रैक वर्जन को पब्लिश किया था, ताकि हर कोई इसे यूज़ कर सके और हर कोई यहाँ इसे यूज़ कर पा रहा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ प्रोफेशनल और फ्री वाले वर्जन का इशू ये है दोस्तों, यहाँ आपको इतने सारे ऑप्शंस यहाँ नहीं मिलते हैं, और अगर मिलते भी हैं तो आप उन्हें यूज़ नहीं कर पाएंगे फ्री वर्जन में। लेकिन दोस्तों जैसे कि हमारे पास यहाँ प्रोफेशनल वर्जन है, और इस प्रोफेशनल वर्जन के हेल्प की मदद से हम यहाँ इसके सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पर बॉब शूट के फिलहाल जो भी हम यूज़ करने वाले हैं वो है रिपीटर तक, रिपीटर तक वैसे सिक्वेंस डिकोडर कंपेयर के सारे ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम यहाँ इस पूरे कोर्स में यूज़ करेंगे वो रिपीटर या सिक्वेंसर तक। उसके आगे की जो भी चीज़ें हैं वो हम यूज़ नहीं करेंगे, या फिर अगर हम यूज़ करेंगे भी दोस्तों तो वो कुछ आगे की चीज़ें होंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ थोड़ी एडवांस में जाती है। क्योंकि जब डिकोडर होती है दोस्तों, हैशेस फाइल वगैरह को हम डिकोड करते हैं, फिर कंपेयर वगैरह करना हो गया, आपके एक्सटेंड करना हो गया प्रोजेक्ट, तो इन चीज़ों को हम देखेंगे, हो सके तो आगे मैं इसे भी कवर करूँगा। लेकिन आज दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर इसके कुछ ये पाँच टॉपिक्स, इसके कुछ पाँच ऑप्शंस, और इस पाँच ऑप्शंस के बारे में दोस्तों इसको आज मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ, इसे यूज़ करेंगे हम वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, मतलब हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इसे मैं इसके सारे ऑप्शंस क्या हैं वो मैं आज मैं बताऊंगा, और इन सारे ऑप्शंस को हम यूज़ करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में टूल्स को बहुत ही अच्छी तरह से। क्योंकि दोस्तों ये टूल एक ऐसी टूल है ना, अगर आप हैकिंग में, अगर आप एक बग बाउंटी हंटर यानी कि वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिसर्चर, एक बग बाउंटी हंटर बनना चाहते हैं, और वेब एप्लीकेशंस में अगर आप बग खोज के रिपोर्ट करना चाहते हैं हैकर वन में या फिर बग क्राउड में, ऐसे और भी साइट्स हैं जहां आप रिपोर्ट करना चाहते हैं और आप बग खोज के उन्हें रिपोर्ट करके पैसे कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आपको बॉब शूट ही होता है। इवन दोस्तों हमारे भी रिसर्चर हैं, हमारे भी कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो ये काम करते हैं, और फैक्टली वो बहुत ही अच्छा कमाते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों रिसर्चर्स को फेम भी मिलता है, साथ से साथ पैसा भी मिलता है दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। और इससे अगर आप बॉबशूट में एक एक्सपर्ट बन जाते हो, और अगर आप अपना लॉजिक लगा पाते हो बहुत ही अच्छी तरीके से, तो आप एक अच्छा बग बाउंटी हंटर भी बन सकते हो, एक हैकर भी बहुत अच्छा बन सकते हो। दोस्तों फिर आगे चलते हैं और देखते हैं इसके क्या है ऑप्शंस। फिर दोस्तों यहाँ पे जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन दिखाया जा रहा है वो है टारगेट, टारगेट जहाँ पे हम अपने टारगेट वेबसाइट को करते हैं सेलेक्ट। दूसरा फिर ऑप्शन आता है दोस्तों प्रॉक्सी। अब ये प्रॉक्सी क्या है दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये एप्लीकेशन रन किसी बाहर की साइट, बाहर के किसी ऑप्शन पे नहीं करता है दोस्तों, ये एज अ लोकल करता है। लोकल से मतलब मैं दोस्तों ये कहूँगा कि ये टूल आपको दोस्तों, आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे मेरी ये वेबसाइट खुली हुई है कार्य टैक्स प्राइम दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा ना, इसे करूँगा रिफ्रेश। रिफ्रेश मतलब ये दोस्तों कि जैसे ही आप दोस्तों हमारी पहले ही वीडियोज़ में, प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया गया था कि कैसे एक वेबसाइट रिक्वेस्ट अपनी निकालती है, मतलब अपने राउटर से बाहर या अपने नेटवर्क से बाहर, और कैसे वो रिक्वेस्ट रिस्पांस को लेके हमें वापस रिटर्न हमारे तरफ लेके आती है दोस्तों, सेम सिचुएशन यहाँ पे ये होता है। करते हैं हम ये है दोस्तों कि यहाँ लगाते हैं प्रॉक्सी, प्रॉक्सी मतलब लगाते हैं हम अपने लोकल सिस्टम का। दोस्तों इन चीज़ों को प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, यहाँ मैं उतने डीप में लेके नहीं जाने वाला हूँ, ये चीज़ डीप में जाएगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस यहाँ मैं नॉर्मली बताने वाला हूँ कि इसे कैसे यूज़ करना है, और कौन कौन सी ये जो ऑप्शन इनको यहाँ ऊपर दी गई है वो ऑप्शन क्या क्या कर सकती है और क्या क्या करते हैं। दोस्तों पहले हम आते हैं यहाँ टारगेट, टारगेट में दोस्तों यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं हमारे टारगेट को। टारगेट को मतलब मैं किस वेबसाइट की सिक्योरिटी या किस वेबसाइट की वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करने वाला हूँ, या फिर उसके ऊपर रिसर्च करने वाला हूँ, या फिर जो भी चीज़ें मैं करना चाहूँगा उसके लिए हम यहाँ टारगेट में ही हमें सेलेक्ट होती है हमारी वेबसाइट। दोस्तों यहाँ प्रॉक्सी, अब ये प्रॉक्सी क्या होता है दोस्तों, यहाँ प्रॉक्सी मैंने क्लिक किया और यहाँ पर लिखा हुआ इंटरसेप्ट ऑफ, इज ऑफ लिखा है, और मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। मतलब इंटरसेप्ट क्या होता है, तो जैसे कि हमारी ये वेबसाइट है, इसे मैं वेबसाइट को आपको यहाँ दिखाता हूँ दोस्तों, जैसे कि हमारी ये वेबसाइट हो गई, इस वेबसाइट को जैसे कि मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ आप ऊपर की तरफ देखेंगे ये रिफ्रेश होके खुल जा रही है वेबसाइट, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रॉक्सी सेट करते हैं अपने सिस्टम की, मतलब कि इसकी रिक्वेस्ट हम अपने ही सिस्टम पर ले लेते हैं, और रिक्वेस्ट की हेल्प जो हम लेते हैं वो होती है हमारे बॉब शूट से। दोस्तों अभी आपको मुझे पता है उतना समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या क्या रहा हूँ, लेकिन जब हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ अगर हम इंटरसेप्ट कर देते हैं, इंटरसेप्ट ऑन कर देते हैं, और उसके बाद
ये इंटर सब ऑन करने के बाद अगर दोस्तों मैं यहाँ इसको रिफ़्रेश करूँगा, दोस्तों अभी ये रिफ़्रेश हो जाएगा क्योंकि मैंने प्रॉक्सी सेट नहीं किया है। दोस्तों फिर भी मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ इसको रिफ़्रेश करूँगा, जैसे कि आपके सामने रिफ़्रेश हो रही है, तो ये रिफ़्रेश होने के बाद वेबसाइट नहीं खुलेगी, क्योंकि दोस्तों मैं इसके डेटा को, मैं इसके पैकेट को कैप्चर करके अपने पास इस सिचुएशन मतलब इस पोजीशन में मैं इसे कैप्चर करके ले लेता हूँ। और जैसे कि मैं इसको यहाँ कैप्चर करके ले लेता हूँ, इसके लिए दोस्तों ये होता है कि उसकी रिक्वेस्ट जो जिस सर्वर पे पहुँच रही है, मैं उसकी रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लूँगा, चाहे वो किसी भी वेबसाइट पे किसी भी सर्वर पे रिक्वेस्ट कर रही हो, उसको मैं यहाँ कैप्चर करके अपने पास ले लेता हूँ। और कैप्चर का मतलब दोस्तों ये होता है कि उस वेबसाइट की A to Z डिटेल मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। और जब दोस्तों किसी वेबसाइट की डिटेल आपके साथ पास होती है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ इंटरसेप्ट करने के बाद हम करते हैं दोस्तों उसे यहाँ से फिर करते हैं दोस्तों हमेशा हम राइट क्लिक, और यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाए जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ सबसे पहला ऑप्शन यहाँ दिखा रहा है सेंड टू स्पाइडर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी स्पाइडर लिखा है। दोस्तों जब हम वेबसाइट को स्कैन करते हैं मतलब स्कैनिंग में लगाते हैं, या फिर उसकी दोस्तों कि आप जब आप वेबसाइट की एक एक आर्किटेक्चर को देखना चाहते हैं कि वेबसाइट में कितने पेजेस हैं, कौन से पेजेस कहाँ हैं, कितने लॉगिन पेजेस हैं, कितने आपको इनपुट फील्ड्स वगैरह हैं, तो इन चीज़ों के लिए हम यहाँ इसको भेजते हैं स्पाइडर में, ताकि उसकी सारी A to Z स्पाइडरिंग निकल जाए। और दोस्तों जब हम इसे स्कैन करना चाहते हैं, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग आप बोल सकते हैं, तो हम यहाँ जाते हैं डू एन एक्टिव स्कैन करते हैं, जहाँ पे स्कैन करने पे दोस्तों हमें निकाली जाती है सारी उसकी वल्नरेबिलिटीयां जो हमें A to Z मिल जाती है। खासकर दोस्तों यहाँ पे टॉप 10 वल्नरेबिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखा जाता है हमेशा। दोस्तों आपने अगर दोस्तों POC का नाम सुना होगा दोस्तों, तो जब बग हंटर वगैरह या फिर कोई भी एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल जो कहीं वर्क करते हैं, तो वो जब POC वगैरह बनाते हैं, POC का मतलब दोस्तों यहाँ ये कह सकते हैं आप एक रिपोर्ट बनाना, मतलब आपने एक बग खोजा किसी बड़ी वेबसाइट, फॉर एग्जाम्पल मानते हैं दोस्तों कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट में, माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है दोस्तों विंडोज़ की माइक्रोसॉफ्ट, उस वेबसाइट पे मानिए दोस्तों आपने XSS की वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट किया। XSS होती है दोस्तों क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की होती है, जिसे हम आगे बहुत अच्छी तरह से जानेंगे पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो XSS की जो वल्नरेबिलिटी होती है, ये दोस्तों ऐसा दो तरह की होती है, इसमें एक स्टोर होती है, स्टोर मतलब दोस्तों आप किसी की वेबसाइट पे अपने डेटा को स्टोर कर लोगे और उसकी वेबसाइट सामने से ब्लैंक, मतलब कि दोस्तों क्रॉस कर लिया आपने उसकी साइट को। दोस्तों इस वल्नरेबिलिटी की मान लीजिए मैंने एक रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों जब आप एक ऐसा प्रेजेंटेशन देते हो तो आपको एक पूरी रिपोर्ट देनी होती है कि हाँ ये बग थी, इस बग को मैंने ऐसे फाइंड आउट किया, ये बग आप पे ये इम्पैक्ट कर सकती है। तो जैसे कि मैंने फिर POC बनाई, पूरी आपको मैंने रिपोर्ट बनाई, और उस रिपोर्ट को जब मैं सबमिट करता हूँ दोस्तों, तो हमारे बग बाउंटी हंटर या बग जो फाइंडर होते हैं, रिसर्चर होते हैं, वो सबसे ज़्यादा POC में यूज़ करते हैं बग शूट को ही, मतलब कि इसी बग शूट से स्कैनिंग भी करते हैं। मतलब दोस्तों इस बग शूट के यूज़ से आप एक पूरा मतलब वेब एप्लीकेशन पे एक्सप्लॉइट से लेके वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी पे आप पैचेस, मतलब पैचेस नहीं दोस्तों, मतलब कि वेब सिक्योरिटी की पूरी आप सारी डिटेल्स वगैरह निकालना, उसकी मैप की आर्किटेक्चर निकालना, उसकी वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करना, सारा कुछ आप इस टूल से कर सकते हैं। तो यहाँ डू एन एक्टिव स्कैन है दोस्तों, फिर यहाँ एक्टिव स्कैन होता है जिससे आपको सारी वल्नरेबिलिटी का इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और जैसे मैंने POC यानी कि मैंने रिपोर्टिंग की बात की, तो वहाँ पे भी इसी बग शूट की रिपोर्टिंग को दी जाती है दोस्तों। फिर इसमें ऐसा ही नहीं होता कि सिर्फ रिपोर्ट मिला और दे दिया, लेकिन उसमें फाइंड आउट मैनुअल भी करना पड़ता है, जिसे हम आगे देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। दोस्तों यहाँ आता है सेंड टू इंट्रूडर, दोस्तों जहाँ पे आपने ब्रूट फोर्स का नाम तो पक्का सुना होगा दोस्तों, ब्रूट फोर्स लगाना, मतलब कि किसी एक, अगर आपको नहीं पता दोस्तों, बेसिक वाले जो हैं उन्हें नहीं पता होगा, मुझे पता दोस्तों, लेकिन जो एडवांस वाले हैं उन्हें बिल्कुल पता होगा कि यहाँ पे इंट्रूडर क्या काम करता है। इंट्रूडर दोस्तों एक तरह का पेलोड बनाता है, पेलोड मतलब दोस्तों आप एक, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप फेसबुक पे नहीं दोस्तों, मैं एज एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप फेसबुक ये चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ मेंशन है कि अगर आप 2, 5 बार, 6 बार अगर आप गलत पासवर्ड डालते हैं तो वैसे ही वो आपकी IP को ब्लॉक कर देगा, या फिर कुछ देर के लिए उस पेज को अगर वो अनरजिस्टर्ड करके वो हटा देगा। नहीं, आप उसको नहीं लगा सकते, ब्रूट फोर्स से आपको आपकी IP को ही वो ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पे इंट्रूडर का काम ये होता है कि जैसे कि आप कहीं ब्रूट फोर्स लगाना चाहते हैं, किसी चीज़ को अगर आप चेक करना चाहते हैं और आपको बार बार डालना पड़ रहा है वहाँ पे, तो आप एक पासवर्ड की लिस्ट बनाते हो, 1000, 1500, 2000 जिस तरह की आपकी पासवर्ड लिस्ट होती है, और आप उस इनपुट फील्ड में उसे डाल देते हो। इसका एग्जांपल दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ फेसबुक खोल के दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि अगर फेसबुक पे ही लगाया जाए तो आप कैसे लगाएंगे। दोस्तों यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और मैं खोलता हूँ यहाँ facebook.com,
और दोस्तों जैसा कि मैंने हमारी बात चल रही थी अभी यहाँ पे इंट्रूडर की, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हम यहाँ पे सबसे पहले डालते हैं ईमेल आईडी और यहाँ डालते हैं पासवर्ड। तो ईमेल आईडी मान लीजिए आपको आपके विक्टम की पता है, लेकिन आपको यहाँ पे पासवर्ड नहीं पता है विक्टम की। तो अगर आपको विक्टम की पासवर्ड निकालनी है दोस्तों, तो इस पासवर्ड वाली जगह पे आप फिर मान लो आपको नहीं पता है, तो फिर अगर आप बाई वन बाय वन, अगर आप मान लीजिए आप तो अपने दोस्त को जानते हैं कि वो अपने दोस्त को आप हैक करना चाहते हैं और आप जानते हैं कि उसके पासवर्ड कुछ इस तरह के होते हैं, मान लीजिए आपको उसके पासवर्ड का कुछ गेसिंग पता है, या फिर मान लीजिए वो अपने स्कूल का नाम लिख रहा है, या फिर अपने फैमिली मेम्बर, या फिर अपने पेट एनिमल वगैरह जो होते हैं, डॉगी होते हैं, कैट वगैरह होते हैं, उनका नाम अगर वो यूज़ कर रहा है, तो आप उसके साथ बार बार वो चीज़ पासवर्ड लगा लगा के आप एंटर करोगे, तो अगर ऐसे सिक्योरिटी में आप कितने लगा पाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे बपशूट के इंट्रूडर का यूज़ करते हैं दोस्तों, तो इसकी हेल्प से आप एक बार में बहुत सारे कई पासवर्ड का यूज़ आप एज अ पेलोड, पेलोड मतलब दोस्तों एक लिस्ट बनाएंगे आप, जिसमें आप 1,000 1,500 2,000 पासवर्ड को इंक्लूड कर देते हैं और इसे आप लगा देते हैं ब्रूट फोर्स में, मतलब कि वन बाय वन। और दोस्तों जैसा कि वन बाय वन जब वो चेक करना शुरू करेगा, तो ईमेल आईडी तो दोस्तों उसके पास पहले से ऑलरेडी है, मतलब ईमेल आईडी तो परफेक्टली आपको पता था, आपने ईमेल आईडी को यहाँ दे दिया। लेकिन फिर जब आपको यहाँ पासवर्ड देना है दोस्तों, तो आप पासवर्ड वाले फील्ड में आपने लगा दी पेलोड को, और वो वन बाय वन चेक करता रहेगा, और जब वो अगर आपको उसकी पासवर्ड अगर उसे फ्रीली मिल जाती है कि ये पासवर्ड सही है, तो वो आपको रिटर्न एक 200 ओके का आपको रिटर्न देता है। 200 ओके क्या होता है दोस्तों, जब पेज सक्सेसफुली ओपन हो जाती है या अपना वर्क कर जाती है, तो आपको रिप्लाई में मिलता है 200। दोस्तों ये चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे कि बपशूट कैसे क्या क्या चीज़ को वो कैप्चर कर पाता है और आपको क्या क्या डिटेल देता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बता दिया दोस्तों कि यहाँ पर इंट्रूडर क्या करता है दोस्तों। फिर यहाँ पर और जैसे कि स्पाइडर था, जैसे कि स्पाइडर मैंने बताया कि स्पाइडर आपको A to Z स्पाइडिंग, स्पाइडिंग मतलब क्या, स्पाइडर का आपने स्पाइडर का जाल दिखा हो दोस्तों, जाल में A to Z आपको उसकी जालें दिखती है, वैसे ही दोस्तों आपकी वेबसाइट की स्पाइडिंग की जाती है, जहाँ से आपको वेबसाइट के एक एक आर्किटेक्चर एक एक पेजेस की डिटेल आपको यहाँ मिल जाती है। फिर दोस्तों यहाँ पे हमारे स्कैनर है दोस्तों, यहाँ पे फिर अभी हमने स्पाइडर देखा, फिर हम यहाँ पे स्कैनर है, स्कैनर क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे जो वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करने का काम कर रही है वो हमारे यहाँ स्कैनर ही कर रही है, जो एक एक वल्नरेबिलिटी को निकालती है। लेकिन इसमें भी सिर्फ वो स्कैन ही नहीं कर रही, इसके अलावा भी दोस्तों ये बहुत कुछ कर जाती है, मतलब कि अगर दोस्तों अगर आप मैनुअली किसी वेबसाइट की टेस्टिंग करने जाए, वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करने जाए, तो बहुत ही इशू हो जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ बपशूट को यूज़ कर रहे हैं और फिर अगर आप उसकी वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं दोस्तों, तो आप बहुत ही आसानी से उसकी वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ इस टूल की ही मदद से। फिर दोस्तों यहाँ पे हमारे पास आता है ये इंट्रूडर, जिसकी बात मैंने अभी यहाँ बताई है आपको, और इंट्रूडर का यूज़ भी बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे दोस्तों। इसके यहाँ जैसे कि यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं पेलोड का ऑप्शन है, इसी जगह पर हम यहाँ पेलोड लगाते हैं, ऐड करते हैं, हमारे लिस्ट देते हैं दोस्तों। इन चीज़ों को हम यहाँ देखेंगे और कैसे वो उस वल्नरेबिलिटी से पेलोड को लगा के, मतलब पेलोड को लगा के ब्रूट फोर्स करके कैसे वो आपके पासवर्ड को आपको दे दे रहा है, तो ये चीज़ें भी हम देखेंगे दोस्तों हमारे प्रीवियस वीडियो में। फिर आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ रिपीटर लिखा हुआ, अभी ये रिपीटर क्या होता है, रिपीट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब आप किसी चीज़ को मतलब अगेन अगेन एंड अगेन करते हैं, तो वहाँ पे उस प्रोसेस को हम यहाँ रिपीट करते हैं। जब आप इस चीज़ को रिपीट करे जा रहे हो, मतलब आपको रिपीट करना ही करना है, बार बार उस चीज़ को आपको करना ही है, तो क्यों ना इस चीज़ को एक रिपीटर में लगा दिया जाए। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे रिपीटर का ऐसा काम होता है, जब आप दोस्तों किसी वेबसाइट या किसी पेज पे, फॉर एग्जांपल दोस्तों हम यहाँ आ जाते हैं हमारे कालीटैक्स प्राइम की वेबसाइट पे, और फॉर एग्जांपल दोस्तों कालीटैक्स प्राइम की इस वेबसाइट में आके मान लीजिए यहाँ किसी ऑप्शन पर हम जहाँ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम यहाँ रहते हैं, यहाँ तो ये फिलहाल एक पेज की हमारी ये वेबसाइट है, अगर आप किसी पेज में या किसी एक लिंक पर जाते हैं, उस लिंक पर अगर आपको बार बार कोई टेस्टिंग का काम करना है, तो उस चीज़ को अब अगर आप बार बार करना चाहते हैं, तो फिर आपको बार बार उस वेबसाइट को खोलना है, बार बार फिर यहाँ से हम टारगेट पे एक सेकंड दोस्तों, फिर यहाँ पे हम बार बार इस प्रॉक्सी में लेंगे, मतलब प्रॉक्सी में लेंगे ऐसे बार बार, फिर इंटरसेप्शन ऑन करेंगे, ऑफ़ करेंगे, फिर दोबारा राइट क्लिक करेंगे, फिर ऐसे चेक करने से अच्छा दोस्तों हम यहाँ करते हैं क्या कि इसे एज आ मतलब राइट क्लिक यहाँ पर करने के बाद इसे यहाँ भेज देते हैं रिपीटर पर, और जब यहाँ इसे हम रिपीटर पर क्लिक करेंगे दोस्तों, अब यहाँ ऊपर की तरफ देखिएगा, यहाँ ऊपर की तरफ देखिए कि यहाँ ये जो रेड है ये रेड कलर से ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ हम करते हैं इसे सेंड टू रिपीटर करते हैं। आप देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने किया सेंड टू रिपीटर, ये पहुँच जाता है रिपीटर के पास, और वैसे दोस्तों अभी यहाँ कुछ था नहीं, उसे रिपीटर पर पहुँचाया नहीं उसने, और जैसे ही हम यहाँ रिपीटर पर पहुँचते हैं, यहाँ से हम वन बाई वन मतलब यहाँ देते हैं अपने इनपुट को कि क्या मुझे चेंजेस करने हैं, और यहाँ हम देखते हैं उसका आउटपुट। तो ये चीज़ें हम करते हैं रिपीटर के साथ,
और दोस्तों यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे सीक्वेंसर है जो सीक्वेंस का काम करती है। फिर दोस्तों यहाँ पे सीक्वेंसर दोस्तों ऐसा होता है कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आप यहाँ सेट करते हो, जैसे कि टोकन के साथ या फॉर्म फीड के साथ या लोकेशन के साथ करते हो। लाइव कैप्चरिंग का जब काम करना होता है आप उसको यूज़ करते हैं। दोस्तों यहाँ आता है दूसरा, उसके बाद आता है डिकोडर। आप यहाँ पे एक फाइल देते हो, हैश फाइल देते हो और उसको डिकोड करने का काम करते हो। फिर यहाँ कंपेयर का काम आता है, कंपेयर का काम आता है कि यहाँ पर आपने एक फाइल दी और दूसरी यहाँ पे है, दोनों एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं कि कितने यहाँ सेम है। मतलब बाय लेवल ऑफ कंपेरिजन बिटवीन द डेटा यू कैन लोड पेस्ट और सेंड डेटा हेयर फ्रॉम द टूल एंड सेलेक्ट द कंपेरिजन। मतलब यहाँ दोस्तों मैंने जैसे कहा कि वो कंपेरिजन का काम यहाँ करते हैं। फिर एक्सटेंडर, मतलब यहाँ एक्सटेंड किया जाता है किसी के साथ, ऐड करना आपको हो गया किसी और चीज़ को। यहाँ प्रोजेक्ट, अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह हैं किसी भी काम कर रहे हैं तो आपने उस पर वर्क करते रहेंगे तो आपने क्या क्या ऑप्शंस वगैरह चूज़ करने हैं, उस चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। फिर यहाँ यूज़र, जो आप यूज़र हैं उनके कुछ ऑप्शंस क्या क्या हैं उनको आप यहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ ऐड करना हो गया, प्लेटफॉर्म वगैरह यहाँ ओपन करना हो गया। दोस्तों मेन यहाँ पे अगर मैं कहूँ दोस्तों, तो यहाँ रिपीटर तक ही इनका काम चलता है, रिपीटर तक ही मेन इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जो होते हैं वो टूल के हेल्पर्स होते हैं, यूज़र के हेल्पर्स होते हैं। दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर रखता हूँ, आगे की वीडियो में यहाँ प्रॉक्सी, स्पाइडर, स्कैनर, इंट्रूडर, रिपीटर सारे चीज़ों को यूज़ करेंगे। और दोस्तों अब यहाँ देखेंगे कि कैसे इसकी मदद से हम यहाँ डिटेल्स वगैरह निकाल रहे हैं, वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं। दोस्तों वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ और भी कुछ एक दो टूल को यूज़ करेंगे और मैनुअल भी देखेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ, अगली वीडियो में हम यहाँ देखेंगे बगशूट को कैसे यूज़ करना है और कैसे हमारी जो स्कैनिंग की प्रोसेस थी, पोर्ट स्कैनिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग और नेटवर्क स्कैनिंग, इसमें से पोर्ट स्कैनिंग और वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग तो आप कर चुके हैं, फिर हम दोस्तों यहाँ देखेंगे कि वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कैसे करते हैं। और दोस्तों स्कैनिंग के बाद जो हमारी चैप्टर आएगी वो होगी एक्सप्लॉइट की, जिसमें हम करेंगे एक विंडोज सिस्टम को एक्सप्लॉइट। और दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे इस कोर्स में नहीं आपको मिलती रहेगी, डिस्क्रिप्शन के साथ पूरी डिटेल के साथ। और दोस्तों यहाँ जो कुछ टेक्स्ट फाइल है और ये जो हमारी बॉबशूट की फाइल है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। और सेम टू सेम आप ऐसा कर ले दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी टूल है, इस पर आपको बहुत ही एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर आप चाहें तो एज अ बग हंटर और बग बाउंटी रिसर्चर आप बन सके। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, सीखते रहिए।